हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फाइव स्टार्ट करेंगे। लेसन फाइव का नेम है द टॉर्टोइस एंड द हेयर। टॉर्टोइस कछुआ और खरगोश। तो अपने लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से इस लेसन को समझेंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए फील्ड नॉट टू फार फ्रॉम यू देयर वाज एन एनर्जेटिक एंड हैप्पी हेयर एंड ए स्लीपी टॉर्टोइस। इस लेसन को पहले लाइन को अच्छी तरह समझिए। कहता वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन ए फील्ड नोट टू फार फ्रॉम, इन दोनों के लिए लिखा है। देखो जो खरगोश दिखाया हुआ है और ये टॉर्टोइस है, तो इनके लिए लिखा है कि जो एक खेत से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थे। देयर वाज एन एनर्जेटिक एंड हैप्पी हियर, वहाँ पे हैप्पी का अर्थ जहाँ क्या है, खुश रहने वाला। हेयर खरगोश, एनर्जेटिक का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली। एंड ए स्लीपी टॉर्टोइस, स्लीपी। अब देखो किसी किसी को काम करना अच्छा लगता है और किसी किसी को आराम करना अच्छा लगता है। स्लीपी का अर्थ भी जो टॉर्टोइस था, ज़्यादा आराम पसंद रहने वाला था। इसके उल्ट जो खरगोश था वो खुश रहने वाला और शक्तिशाली था। इसमें क्या बताया कि वंस अपॉन ए टाइम इन ए फील्ड नॉट टू फार फ्रॉम यू देयर वाज एन एनर्जेटिक एंड हैप्पी हेयर एंड ए स्लीपी टॉर्टोइस, कि एक समय की बात है कि वहाँ पे खुश रहने वाला और शक्तिशाली खरगोश था एंड ए स्लीपी टॉर्टोइस, और आराम पसंद टॉर्टोइस क्या होता है, कछुआ था। आगे देखो द हैप्पी हेयर वाज कॉल्ड किम एंड द स्लीपी टॉर्टोइस वाज कॉल्ड बेन। अब देखो इसमें जो खरगोश और कछुए के नाम बताए गए हैं, तो हैप्पी हेयर खुश रहने वाले खरगोश को क्या कहते थे, सारे किम कह के बुलाते थे। अब ध्यान रखना है आपको, जब आप लेसन पढ़ोगे तो ही आपको जो लेसन समझ आएगा कि जो हैप्पी हेयर था उसका नेम क्या था, सारे इसको क्या कह के बुलाते थे, किम। एंड द स्लीपी टॉर्टोइस वाज कॉल्ड बेन, और जो आराम पसंद कछुआ था, सोए रहने वाला कछुआ था, उसका नाम, उसको क्या कह के सारे बुलाते थे, बेन। बेन द टॉर्टोइस लाइक्ड टू सिट एंड मंच हिज डिनर स्लोली। अब जहाँ इतने का ही अर्थ बता रही हूँ आपको, क्योंकि जहाँ पे कोमा आ गया है, देखो द टॉर्टोइस लाइक टू सिट, जो टॉर्टोइस था कछुआ था वो क्या था, आराम से बैठना पसंद करता था। मंच क्या होता है भी, जब वो खाना खाता था ना, ऐसे आवाज़ करता था, उसके खाना खाते हुए आवाज़ आती थी उसके मुंह में। हिज डिनर स्लोली भी, वो खाना तो धीरे स्लोली, अपना जो डिनर क्या होता है, रात का खाना, अपना जो वो रात का खाना खाता था, खाता तो धीरे था मगर धीरे खाते हुए
आवाज करता था। Whilst came the hare would gobble up। गोबल का अर्थ क्या होता है? तेजी से खाना। अब देखो टोर्टवाइज की हैबिट क्या बताई है कि वो धीरे खाने वाला था, आराम पसंद था। इसके और जो हेयर था, खरगोश था, उसकी क्या क्वालिटी बताई है कि दी हेयर वुड गोबल अप हिज डिनर। वो जो अपना रात का खाना था तेजी तेजी से खाता था, उसको ऐसे था कि मैं फटाफट मेरा जो खाना है फिनिश कर लूँ। एंड रन राउंड एंड राउंड बैन until he was dizzy। और जो हेयर था उसकी क्या हैबिट थी, जब वो खाना खाता था ना, एक तो वो जो अपना जो टॉर्टवाइज था विन क्या करता था, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था और खाना तेजी तेजी से खाता था। आगे देखो, वन डे दी हैड एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का अर्थ क्या होता है? बहस। एक दिन क्या हुआ, उनमें बहस हो गई। अब ये तो आपको पता चल गया, देखो जी हेयर है, ये तो शक्तिशाली है, खुश रहने वाला है, तेजी से खाना खाने वाला है। इसके उल्ट जो टॉर्टवाइज है, जे आराम पसंद है, खाना धीरे से खाता है। तो अब क्या हुआ, वन डे दे हैड एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का अर्थ क्या होता है? बहस। एक दिन उनमें एक बात के लिए बहस हो गई। जैसे कई बार बच्चे आपस में बहस कर लेते हैं ना, अब इन दोनों में भी बहस हो गई। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल इन द होल वाइड सेड किम। सेड का अर्थ क्या होता है? कहा। किसने कहा? किम ने। क्या कहा? फास्टेस्ट का अर्थ होता है, देखो जी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखो फास्ट से सेकंड डिग्री बनती है फास्टर और थर्ड बनती है फास्टेस्ट। तो ये क्या है, देखो फास्ट का अर्थ होता है तेज, फास्टर का अर्थ होता है उससे तेज, और फास्टेस्ट का अर्थ होता है सबसे तेज। अब जो हेयर है वो अपनी क्वालिटी बता रहा है, आई एम द फास्टेस्ट एनिमल, कि मैं सबसे तेज भागने वाला जानवर हूँ इन द होल वाइड वर्ल्ड। वाइड का अर्थ तो जहाँ वैसे वाइड का अर्थ होता है चौड़ा, पर जहाँ पे वर्ल्ड का अर्थ क्या होता है? संसार। अब जहाँ अपने इसका क्या बनाएंगे, मैं इस पूरे बड़े संसार में सबसे तेज भागने वाला जानवर हूँ, सेड किम, किम ने कहा। आई एम फास्टर देन ए चिक्की चीता, ए किकिंग कंगारू एंड ए रेसिंग रैबिट। ही बोस्टेड। बोस्टेड का अर्थ क्या होता है? कई लोग होते हैं ना, अपने झूठे डींगे मारते हैं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। इसी तरह जो हेयर है इसके लिखा है कि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, गर्व आ गया कि मैं सबसे तेज भागने वाला एनिमल हूँ। देखो जी गर्व की बात हो गई ना, तो जो डींगे हांक रहा है, अब देखो जी तीन जनों के साथ अपना कंपेरिजन कर रहा है, चीते के साथ, कंगारू के साथ, रैबिट के साथ। ये क्या कह रहा है कि जो चिक्की चीता है, मैं उस उनके साथ कंपेरिजन कर रहा है, चीता, कंगारू और रैबिट, इन तीनों की बराबरी से सबसे तेज भागने वाला जानवर हूँ। ही बोस्टेड, उसने डींगा हांकते हुए कहा। किसने कहा? हेयर ने, किम ने कहा। ओ बी क्वाइट। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे दो जनों के बीच में किसी बात के लिए बहस हो जाए, दूसरा उसको स्टॉप करती हो, कहते ना ओ ओ रुक, एक बारी मेरी भी सुन ले, इस कहते हैं ना। तो इसी तरह जो टॉर्टवाइज था वो उसको कह रहा है ओ एक बारी उसको बी क्वाइट, शांत रहो। सेड बिन, बिन ने कहा, यू
आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, कहिंदा तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा भरे हुए हो। भरे किस बात के लिए? अभिमान की बात की है कि यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा अभिमान से भरे हुए हो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल कम टू ए स्टिकी एंड। अब देखो उसने कितनी अच्छी बात कही है टॉर्टोइस ने, क्या इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, कहता अगर तुमने इस बात का ध्यान नहीं दिया, यू विल कम टू ए स्टिकी एंड, एक दिन तेरा खतरनाक अंत हो जाएगा। समझाई बात? तो वो कह रहा है कछुआ उसको एक तरह से एडवाइस दे रहा है कि यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, कि तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा अभिमान कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, यू विल कम टू ए स्टिकी एंड, तुम्हारा खतरनाक अंत हो जाएगा। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 24 पे आएंगे। वेयर्स स्टिकी एंड देन आस्क्ड किम, अब किम मुझसे क्या पूछ रहे, वेयर्स स्टिकी एंड, कहाँ पे है जी स्टिकी एंड, कहाँ पे मेरा खतरनाक अंत होगा। इज इट फार फ्रॉम हियर, वो जहाँ से बहुत दूर है, उसको ऐसे लग रहा है कि मेरा कभी एंड नहीं हो सकता है, मैं अपनी ओर से अपनी से ही तुलना कर रहा हूँ। फिर आप देखो, वैन रोल्ड हिज आइज, अब जय बहन ने उसकी बात सुन के, रोल्ड होता है अपनी गोल गोल आंखें घुमाना, एंड कैरीड ऑन मंचिंग सम टेस्टी लिट्यूस लीफ। लिट्यूस का अर्थ जहाँ क्या होता है, सलाद, सलाद जैसे भी अपने जैसे जो कई तरह की सब्जियाँ उगाई होती है ना, उनकी जो पत्तियाँ हैं उनकी बात की हुई है कि जो बीन था टॉर्टोइस की बात की है। पहले तो उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई, फिर क्या था, उन जो पत्तियों को स्वादिष्ट टेस्टी लिखा है, जो लिट्यूस का अर्थ जहाँ क्या है, सलाद की जो पत्तियाँ थी उसको चबाते हुए उसने अपनी गोल आंखें घुमाई, अपनी आंखों को गोल करके घुमाया। ओ डू स्टॉप आर्ग्यूइंग सेड ए ब्लैक बर्ड एज ही फ्लू पास्ट। अब क्या हुआ, देखो जहाँ एक तीसरे की एंट्री हुई है, ओ डू स्टॉप आर्ग्यूइंग सेड ए ब्लैक बर्ड, एक कोई काला पक्षी उधर से उड़ता हुआ आया, उसने उन दोनों को कहा डू स्टॉप आर्ग्यूइंग, बहस मत करो, कहना नो दिस इज सीरियस सेड किम। अब किम क्या कह रहा है कि नहीं, हम जे एक जने ने तुमको एडवाइस दिए पक्षी ने कि तुम बहस मत करो, अब जे किम फिर अभिमान में बोल रहा है, कहना नहीं एक ही है, एक सीरियस मामला है, आई विल प्रूव टू यू ऑल दैट आई एम द फास्टेस्ट एनिमल इन द होल वाइड वर्ल्ड। प्रूव का अर्थ क्या होता है, साबित करना, कहना मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि मैं सचमुच इस पूरे बड़े संसार में तेज भागने वाला जानवर हूँ। अब देखो जी कह रहा है, आई विल टू यू ऑल दैट आई एम द फास्टेस्ट एनिमल इन द होल वाइड वर्ल्ड, कहना मैं आप सबको साबित कर दूंगा कि मैं इस पूरे बड़े संसार में सबसे तेज भागने वाला जानवर हूँ। ओके सेड मैन, अब जो उसको जो टॉर्टोइस था उसको पता चल गया कि ये जो हेयर है खरगोश है ये मानने वाला तो नहीं है, उसने कहा ओके सेड बिन, बिन ने कहा ठीक है, आई विल रेस यू देन, फिर मैं तेरे नाल एक रेस, रेस क्या होता है दौड़, फिर कोई बात नहीं मैं तेरे साथ एक दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। किम द हेयर लाफ्ड हिज हेड, अब किम इस बात के लिए क्या कहा, लाफ्ट क्या होता है हंसना, हिज हेड अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंसा,
तो फिर एक देखो आगे क्या कह रहा है, जस्ट यू वेट एंड सी सेड मी। फिर वो क्या कह रहा है, जस्ट यू वेट एंड सी सेड बीन। बिन ने क्या कहा, अभी वेट करो। वेट क्या होता है, इंतज़ार करना। अभी वेट करो, इंतज़ार करो और देखो। अब क्या देखने के लिए कह रहा है, आई विल गेट जैकी द वाइज ओल्ड ओल टू ऑर्गेनाइज ए रेस फॉर अस। आई विल गेट जैकी द वाइज ओल्ड ओल्ड, कहना वाइज क्या होता है सियाना, ओल्ड क्या होता है बूढ़ा, और क्या है उल्लू। कहना मैं अभी जो अपना सियाना और जो बुजुर्ग उल्लू है ना उसके पास जाता हूँ, उसका नाम बताया है जैकी। कदम उसके पास जाता हूँ, जैकी को क्या कहता हूँ, टू ऑर्गेनाइज ए रेस फॉर अस। ऑर्गेनाइज क्या होता है, प्रबंध करना, ए रेस फॉर अस कि अपने के लिए एक रेस का प्रबंध करें। इसमें रेस में प्रबंध करने की बात क्या है कि जैसे मान लो जी पूरी जो इनकी जो एनिमल्स की टीम है, आगे वो दिखाएंगे कि पूरी टीम बैठेगी, कहाँ से रेस स्टार्ट होगी, कहाँ से रेस एंड होगी। तो इस बात के जो निर्णय के लिए इनकी टीम भी तो चाहिए ना, तो ही जो फैसला होगा कि कौन किसकी जीत हुई है। तो इसलिए जो टोर्टोइज है वो कह रहा है कि मैं जो सबसे सयाना आउल है उसको रेस का ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए कहता। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि अपने जो आज इतना लेसन किया है, आप सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को घर पे अच्छी तरह रीड करेंगे। जो आगे लेसन है वो अपने अगले वीडियो में आपके पास आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।